टोक्यो ओलंपिक को महज कुछ ही दिन बाकी हैं और कल भारतीय ओलंपिक संघ ने ऐलान कर दिया कि ओलंपिक के समापन समारोह में बजरंग पुनिया भारतीय दल की अगुवाई करेंगे, जिसके बाद बजरंग पुनिया परिवार में खुशी का माहौल है और 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व के नंबर वन पहलवान बजरंग पुनिया से पूरे देश को उम्मीद है कि अब की बार वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। मैं भाई दंगल जीत भी करता सारे ले जाएगा और भाई अरिंदर भी कराया करता, पर यो उन्होंने फिर चलो मन करी थी तो वो न्यू है, मेरी तमन्ना तो होगी पूरी भाई बड़कान कर दी, मेरी ख्वाहिश थी, लड़ा मैं भी बहुत बढ़िया करता, बाकी भाई परिवार की स्थिति जीत पर मन छोड़नी पड़ेगी। मेरा न्यू ख्याल था भाई जब चलो लड़का हो जा कोई अपन वन तो बस उसमें वो है वही जिन्हें मेरी पूरी इच्छा कर दी, खुशी का तो यार इतनी खुशी हो जाए। और भैया देश के लिए मैं जो भी गोल्ड मेडल लिया देश के लिए मेहनत इतनी कर रहा हूँ। आपको बता दें कि विश्व के नंबर एक पहलवान बजरंग पुनिया को गुड़ के चूरमे का शौक है और वो जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने जाते हैं तो माँ के हाथ से बना गुड़ का चूरमा खाकर ही घर से निकलते हैं। अब की बार भी जब वो घर से निकले तो चूरमा खाकर निकले थे और जब बजरंग गोल्ड जीतकर भारत आएगा उसको लेने जाऊंगी, सबसे पहले बजरंग को गुड़ का चूरमा खिलाऊंगी। पूरा देश लगा रहा है सबकी दीवार से बजरंग पर सुनी और भगवान का साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद साथ से करता है भैया। आलू का पराठा, गुड़ का चूरमा और नूनी घी ये खाता है, ये पसंद है मुझे और अपने बाबा से उसको तो खाता है जो अपने जटू लोग खाए जो गोल्ड लेके आएगा तो क्या खिलाओगे उसे? गोल्ड लेके आए दिल्ली ले जाए गुड़ का चूरमा बना के इधर फिर अपना खुआ सारे बढ़िया बढ़िया अपना बेटा ने। प्रदेश के गौरव को लगातार बुलंदी तक ले जाने वाले बजरंग पुनिया ओलंपिक का सफर तय करने को तैयार हैं। परिवार और देश के करोड़ों लोगों की दुआओं के साथ उनका जज्बा और मेहनत एक बार फिर से एक नया इतिहास जरूर रचेगा। सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।